नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। प्रदेश में धीरे धीरे शराब की करीब 200 दुकानें बंद हो गई हैं। इन दुकानों के मालिकों का कहना है कि कारोबार सही से न चलने और नई आबकारी नीति व्यवस्था की वजह से उन्हें अपनी दुकानों को बंद करना पड़ा है। दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर दुकानें बंद होने की खबर से हर कोई हैरान है। कहा जाता है कि शराब के कारोबार में बहुत कमाई होती है, इसलिए लिकर शॉप का लाइसेंस लेने के लिए बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। वहीं इस मिथ से इतनी दुकानें बंद होने की वजह से शराब की इन दुकानों में हुए वित्तीय नुकसान को बताया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल अपनी आबकारी नीति 2021 और 22 के तहत 849 शराब की दुकानों को लाइसेंस जारी किया था, लेकिन इस साल मई के आखिर तक यहां सिर्फ 639 दुकानें ही खुल पाई थी। आबकारी विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट पर शेयर किए गए खुदरा शराब दुकानों की नई लिस्ट के मुताबिक जून के शुरुआती दिनों में यह आंकड़ा घटकर 464 रह गया है। वहीं अब आबकारी विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि आबकारी नीति 2021 को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन 32 में से 9 क्षेत्रों में लाइसेंस धारियों ने अलग अलग वजहों से अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया। अधिकारियों ने यह भी कहा कि 272 नगरपालिका वार्ड में से 100 गैर अनुरूप थे, जहां दिल्ली मास्टर प्लान के नियमों के उल्लंघन के खिलाफ नगर निकायों की कार्रवाई के कारण दुकानें नहीं खुल सकी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।